दीपक श्रीवास्तव, तो आपको मड हाउस बनाने का प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं। उसके लिए सीजर, कुछ टिंटेड पेपर, कलर टिंटेड पेपर लगेंगे, शीट लगेगा। ये जो आपके पास बॉक्सेस आते हैं वेस्ट, उसके हम घर बना देंगे। ये मड लाए हुए हैं, कुछ स्टोन्स हैं, पत्थर हैं जो ये लगाएंगे। कोकोनट का शीट उसके ऊपर लगाने के लिए लगाएंगे। फेविकोल ले लेंगे और फैब्रिक कलर, तो इसके यूज़ से हम लोग मड हाउस रेडी करेंगे। तो हम इसको रेडी करने जा रहे हैं, ठीक है। गिरी के हट को हमने ऐसे कट कर दिया है। ये देखिए, आप कोई डब्बा लेके इसको ऐसे कट कर लीजिए। इधर से भी देखिए, हमने कट कर लिया इसको इस टाइप से। अभी देखिए, हमने हट को ऐसे लगा दिया है फेविकोल का, ऐसे कट करके। और यहाँ पे न्यूज़पेपर से पेड़ बना लिया है, इसको इसके ऊपर यहाँ पे फिट कर देंगे इस तरह इस टाइप से। तो केवल आप हट बना के ना छोड़ दें, थोड़ा हट के अगल बगल का एरिया भी बनाएं। ये देखिए, हम यहाँ पे लगाएंगे इसको। ये पेपर से हमने इसको पेपर बना दिया है और इसको कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने पेड़ को खड़ा कर दिया है, तो हम मिट्टी के बाद में फेविकोल ला के मिट्टी से इसको थोड़ा सा लगाएंगे हम। और यहाँ पे देखिए, इसको हमने कट कर लिया इस टाइप से शेप में, और इसको 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 चिपका देंगे इस टाइप से। ये देखिए, आपका हट रेडी हो जाएगा। इस टाइप से इसको चिपकाएंगे अभी हम। और चिपकाने के बाद इस पर हम ये लगा देंगे कोकोनट का। कोकोनट लगा सकते हैं, मैंगो के उसमें भी आपके काफ़ी सारे निकलते हैं घास, वो लगा सकते हैं। पर अभी बारिश का मौसम है तो वो तो मिलना मुश्किल है, तो हमने ये नारियल का आगे का जो शीश है वो लेके आए हैं, वो यहाँ पे चिपकाएंगे, ठीक है। तो इसको हम रेडी करने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने फेविकोल और स्टोन को पूरा अच्छे से मिला लिया है, और मिलाने के बाद साइड साइड में हम स्टोन को उसको लगाते जा रहे हैं ऐसे, ताकि फेविकोल अच्छे चिपका रहता तो फिर निकलता नहीं है। तो मड हाउस के साइड में आप इसको ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। सूखने के बाद ये अपने ऑटोमेटिक इसका कलर नॉर्मल पत्थर जो लिया है उसकी तरह आ जाएगा। तो ये देखिए, स्टेप से हम लोग कर दे रहे हैं इसको। अब चम्मच के प्रयोग से इसको ऐसे लगा सकते हैं। कुछ पत्थर हम यहाँ लगा देंगे इस जगह पे। इस टाइप से पत्थर बना करके आप इस टाइप से इसको लगा देंगे। सूखने के बाद ये चिपक जाएगा इसमें अच्छी तरह से, ठीक है। इस टाइप से मिट्टी को भी इसमें मिट्टी में मैश करके इसको हम लगाएंगे। सामने सामने केवल लगा रहे हैं और हम पेंट कर देंगे, ठीक है। ये धीरे कंप्लीट हो रहा है। गैस हमने फेविकोल लगा दिया पूरा इस पर बेस पर नीचे साइड पे। आपको पूरा अच्छे से इसको फैला देना है, ताकि इस पर हम लोग मड फैला देंगे। यहाँ पे एक तालाब टाइप का पॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें हम इसलिए यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं। इस जगह पे भी देखिए, हम अच्छे से फेविकोल को पूरे एरिया में आपको अच्छे से फेविकोल लगा देना है। इस टाइप से देखिए, हम पूरा लगा दे रहे हैं इसको। इधर भी लगा देना है। इस जगह पे हम एक पॉन्ड बनाएंगे, भी मेरे पॉइंट रहेगा। और ये देखिए, मिट्टी हमने ऐसे बना ली है और एक पानी वाली मिट्टी बनाई, जिससे थोड़ा सा इसमें भी फेविकोल थोड़ा मिला लिया हमने, ठीक है। स्टेप्स इसको बना करके फिर इसमें लगाएंगे, और इसके ऊपर हम हल्का सा ऐसे डाल देंगे। ये खुद ऑटोमेटिक ये चिपक जाएगा। ये देखिए, स्टेप्स हम हल्का हल्का इसको डाल देंगे ऐसा ले करके। आपको और इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये मिट्टी लेकर के इस टाइप से हम लोग इसकी बाउंड्री बना देंगे थोड़ी। आपको हाथ को ये देखिए, इस टाइप से रोड बना रहे हैं। यहाँ पे मड हमने लगा दिया रोड के सामने। ये भी सूख जाएगा तो बिल्कुल मड की तरह कलर भी आ जाएगा। ये देखिए, स्टेप से। और इसको भी हम यहाँ पे कुआं पे और बगल में रोड दिखा दे रहे हैं। तो स्टेप से आप इसको ड्राइंग को बनाइए। ये देखिए, मैं सूख गया है। ये देखिए, सूख गया कलर में लगाया था, सूख गया ये। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने हल्का सा ऑक्रेलो से पेंट कर दिया है। पोस्टर तरह के
ऑक्रेलो से हमने पेस्ट किया है, देखिए पोस्टर कलर है कैमलिन का, उसके ऑक्रेलो से कर पेंट किया है। और यहाँ पे देखिए ट्री की कटिंग कर रहे हैं, ये पेपर होते हैं हेलमेट पेपर, इसको कट करके हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। और पीछे से यही पेपर हमने कट कर लिया है, ये देखिए इस टाइप से पेपर कट कर लिया है। इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए इसको हम लगा रहे हैं, अभी हम मोड़ेंगे नहीं, सूखने के बाद इसको टर्न करके मोड़ेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाने ना, हमने ढेर सारे फ्लावर बनाए हैं, ये देखिए फ्लावर बनाए हैं इस टाइप के, तो ये फ्लावर भी हम हर जगह लगाएंगे ताकि देखने में आपका प्रोजेक्ट काफ़ी सुंदर लगे, ठीक है। और यहाँ पे फैब्रिक कलर से हम अभी ये जो फैब्रिक कलर है इससे भी हम यहाँ पे पेंट करेंगे वाटर के लिए, तो आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अभी बारिश का मौसम है तो सूखने में टाइम लग रहा है, बट ये हल्का सूख गया है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है। ये देखिए आपका मड हाउस रेडी हो रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा हम ये बनाते जा रहे हैं, मड हाउस रेडी हो गया, ज़्यादा नहीं बनाना क्योंकि सीने के जी के बच्चे का है, ज़्यादा हम इस पर नहीं कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पम्पकिन जो छतों के ऊपर फरने लगता है वो पम्पकिन लगा दिया है, इधर कुछ मैंगो लटके हुए हैं प्लांट में, इस टाइप से आपको देखिए इधर से भी आपको ये प्लांट दिखेगा। यहाँ पर हमने कोकोनट का जो रस्सी होता है रस्सी को यूज़ किया है इसके लिए, यहाँ पर रस्सी बना के डाला हमने, यहाँ पर ये रस्सी लगा के इसको टच कर दिया हमने, इस टाइप का ये रेडी हो जाएगा। आप और बड़े बच्चे हो तो यहाँ पे कुछ आप ड्राइंग कर सकते हैं, वार्ली पेंटिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। ये पॉन्ड दिखा दिया है, इधर भी पॉन्ड दिखा दिए है पानी का, जैसे ऊँचे पे फ्लावर के लिए मैंगो लगा हुआ है, इस टाइप की पूरी ड्राइंग मेरी रेडी हो गई है। और तब से आपको दिखा देते हैं, इस तरफ से देखिए बैक साइड में भी हमने कलर कर दिया इसको, इधर से भी अभी सूखेगा क्योंकि बारिश का मौसम है तो उसको आराम से सूखने देंगे, ठीक है। ये सूख रहा है, इसको हमने करके। थैंक यू, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है दीपा लाइफ स्टाइल, उसको भी आपको सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो हमने बनाया है मिट्टी पे, तो हमने क्या किया थोड़ा फेविकोल भी कलर मिला करके उससे स्ट्रोक दिया ताकि वो मड भी चिपक जाए।